नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं भी प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि EMRS जैसे का एग्जाम ओवर हो चुका है। अब स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितनी क्या रहेगी, सेफ स्कोर कितना क्या रह सकता है। तो कट ऑफ का डिटेल में यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर ये भी समझेंगे कि कट ऑफ किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, उन चीज़ों को डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि अगर कैटेगरी वाइज आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको अभी से टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस बार प्ले करेगा। क्योंकि इस वैकेंसी में टाइपिंग में जो बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे वो केवल 3 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे, यानी कि 2200-2300 के आसपास बच्चे जो हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। तो टाइपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और टाइपिंग में जो स्पीड मांगी गई है इंग्लिश के लिए वो 35 की स्पीड और हिंदी के लिए 30 की स्पीड। तो 35 की स्पीड अगर आपको मतलब वहाँ पे चाहिए तो इसका मतलब है 40 प्लस आपकी स्पीड जब तक नहीं होगी तब तक आप टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो टाइपिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। और टाइपिंग में ढेर सारे जो बच्चे हैं वो डिसक्वालीफाई भी होंगे, क्योंकि 35 की स्पीड लाना कोई आसान बात नहीं है। तो टाइपिंग पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो जो मैं अभी कट ऑफ आपको बताऊँगा, अगर इस रेंज के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जो बिल्कुल JSA के पैटर्न पे है। तो JSA का आपका टाइपिंग होगा वो बिल्कुल SSC CHSL के जैसा आपका टाइपिंग होगा। इस तरीके से आपका कंटेंट शो होगा, यहां पे आपको टाइप करना पड़ेगा, पूरा कंटेंट आपका शो नहीं होगा। इस तरीके से कंटेंट को स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहां पे आपका फोटो शो होगा, यहाँ पे नाम शो होगा। तो पूरा जो इंटरफेस है वो ऐसा ही होगा आपका। उसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में हमने सारे के सारे आपको प्रीवियस पैसेज दिए हैं। हम यहाँ पे आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि आपके CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस कर लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। उसके अलावा एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो लीजिएगा। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो लेने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक बार आप डेमो जरूर लीजिएगा, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि जो कट ऑफ है वो किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी की अगर आप कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर रहे हो तो उसमें वैकेंसी कितनी है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर दो, एग्जाम का लेवल क्या रहा है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, एग्जाम इजी आया है, मॉडरेट आया है या आपका हार्ड आया है, ये भी कट ऑफ को अफेक्ट करता है। उसके अलावा उस पार्टिकुलर एग्जाम में अटेंडेंस कितनी रही है, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा निगेटिव जो मार्किंग है ये भी एग्जाम को अफेक्ट करती है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग से भी कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो आपकी अफेक्ट होती है। तो निगेटिव मार्किंग आपको पता होगा कि 1-4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी यहां पे आप देख सकते हैं JSA, चूंकि पर्टिकुलर हम JSA की बात करें तो JSA की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल 759 वैकेंसी आपकी, जिसमें UR की 311 वैकेंसी है, EWS की आपकी 75 वैकेंसी है, OBC NCL की आपकी 204 वैकेंसी है, उसके अलावा SC की 113 वैकेंसी है, ST की 56 वैकेंसी है, ESM की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 75 वैकेंसी। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है वो आपकी 750 प्लस वैकेंसी है। और आपको पता होगा कि टाइपिंग में 1:3 के रेशियो में जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई होंगे, यानी कि जितनी वैकेंसी हैं उसके 3 गुना बच्चों को क्वालिफाई करेंगे। अमूमन क्या होता है कि 10 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बहुत कम गुना बच्चों को क्वालिफाई करा रहे हैं। तो टाइपिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और 35 की स्पीड मांगी है टाइपिंग में, तो इस वजह से टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब अगर आपने टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 2300 के आसपास जो बच्चे हैं वो आपकी टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो क्या रहा। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स चूंकि टाइम जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, 2.5 घंटे का पेपर था, तो पेपर को देखते हुए मैथ्स जो था वो ईजी था। मतलब ओवरऑल पेपर को हम कह सकते हैं कि
पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट रहा आपका। मैथ्स की बात करें तो इजी टू मॉडरेट, रीजनिंग जो थी उसमें एक दो क्वेश्चन ठीक ठाक थे तो इसे हम मॉडरेट कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी जो थी वो मॉडरेट लेवल की थी, जीके जीएस का लेवल बहुत अच्छा था। कंप्यूटर जो था वो ईजी था, अगर आपने पढ़ा होगा तो ईजी था, बाकी जिसने नहीं पढ़ा तो उसके लिए टफ होगा। ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो टाइम को देखते हुए पेपर को हम कह सकते हैं कि पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट रहा, ठीक है। उसके अलावा इसका जो हिंट है वो आप पोल से भी देख सकते हो, मैंने चैनल पे पोल कराया था, उसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसके अलावा कुछ और चैनल के भी पोल दिखा दूंगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो मैंने अपने चैनल पे पोल कराया था कल ही, जैसे मैंने पूछा था कि EMRS जैसे एग्जाम 2023 में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आप देख सकते हैं कि 65 से कम वाले 8% है, 65 से 75 वाले जो हैं वो 10% है, 75 से 85 वाले जो हैं वो 10% है, 85 से 95 वाले जो हैं वो 13% है, और 100 प्लस जो हैं वो 58% है। यानी कि जो मैक्सिमम बच्चा लाई करता है वो इसी रेंज में लाई करता है। चूँकि यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अटैम्प्ट है, अटैम्प्ट स्टूडेंट ज़्यादा भी बताते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि जितना उन्होंने अटैम्प्ट किया वो करेक्ट ही हो। मोस्टली ये होता है कि अटैम्प्ट के बाद जब फाइनल जब आंसर की आती है तो मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो मार्क्स की बेसिस पे अगर हम बात करें तो मार्क्स जो है उसका चार्ट कुछ दूसरा होगा। तो अटैम्प्ट का एक रफली आइडिया आपको यहाँ से लग जाना चाहिए। बाकी एक और चैनल का मैं पोल दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7000 प्लस बच्चों ने यहाँ पर वोट किया। 65 से 75 के बीच में अटैम्प्ट करने वाले 17% है, 76 से 85 के बीच में अटैम्प्ट करने वाले 13% है, 86 से 95 के बीच में अटैम्प्ट करने वाले 19% है, 96 से 105 के बीच में अटैम्प्ट करने वाले 16% है, और 106 से 110 प्लस अटैम्प्ट करने वाले 35%। यानी कि जो मैक्सिमम डाटा है वो आपका यहाँ पे लाई करता है, बल्कि यहाँ पे लाई करता है, यानी कि वही आपका 90 से ऊपर और 110 तक जाता है। लेकिन अभी जब मार्क्स पूछे गए तो ये डाटा बिल्कुल वेरी कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो 2300 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे ये पूछा गया कि निगेटिव नंबर काटने के बाद आपके मार्क्स कितने बन रहे, तो आप देख सकते हैं कि डाटा बिल्कुल वेरी हो रहा है। 70 से 80 33%, आप देख सकते हैं 33% यहाँ पे आ रहा है। 81 से 90 26%, 91 से 98 19%, 99 से 105 11%, 106 से 115 प्लस 12%। जबकि ये अभी सिनेरियो है, आंसर की के बाद ये और भी चेंज हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम अब जो डाटा है वो यहाँ से यहाँ पे लाई कर रहा है, 70 से आपका 98 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि कट ऑफ आपकी कितनी क्या रह सकती है। बाकी अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो अभी ऑफिशियल तरीके से अटेंडेंस के बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये अनुमान है कि अटेंडेंस काफ़ी कम रही है। अनुमान है कि 35 से 40% के आसपास आपकी अटेंडेंस रह सकती है। बाकी ऑफिशियल अगर RTI का रिप्लाई आएगा तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो क्लियर कट अटेंडेंस कितनी रही वो बता पाऊंगा। बाकी ये अनुमान है कि 35 से 40% आपकी अटेंडेंस रह सकती है। तो मोटा मोटी सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितनी किया जा सकती है, तो ये है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 90 मार्क्स बनने कटने पिटने के बाद निगेटिव मार्किंग, मतलब जो भी आपने गलत क्वेश्चन किए उनको हटाने के बाद अगर आपका ओवरऑल कट पिट के नंबर 90 आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं, आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। OBC वाले जो बच्चे हैं अगर उनका 86 मार्क्स आ रहा है तो आपको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। EWS अगर आपके 84 मार्क्स कटने पिटने के बाद बनने हैं तो आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। SC वालों के लिए 80 नंबर और ST वालों के लिए 75 नंबर। अगर आपका स्कोर कैटेगरी वाइज इस रेंज में लाई कर रहा है तो आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये आप मान के चल सकते हो कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी टाइपिंग हो जाएगी और पूरा खेल जो है वो यहाँ पर टाइपिंग का ही। उसके अलावा अगर आपका 1-2 नंबर यहाँ पर कम भी बनना है कैटेगरी वाइज तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाइए। बाकी क्लियर कट आपका कितने स्टूडेंट के मार्क्स किस तरीके से आ रहे हैं, आंसर की जब आ जाएगी तो एक और अच्छे तरीके से हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। तो आंसर की जब आएगी उसके बाद एक और अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। बाकी रफली आइडिया यहाँ से आप ले सकते हो, अगर कैटेगरी वाइज आपका इतना स्कोर बनना है तो आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग ही पूरा गेम करेगा यहाँ पर। टाइपिंग जो बच्चा क्वालिफाई करेगा ये आप मान के चल सकते हो, उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग में सिर्फ 2300 बच्चों को बुलाएंगे। अब आप खुद सोचो अगर 10 गुना बुलाते, क्योंकि टाइपिंग में भी बच्चे क्वालिफाई डिसक्वालीफाई होंगे, तो टाइपिंग में जो बच्चा क्वालिफाई करेगा
उसी वही जो है वो गेम को कहीं ना कहीं जीत पाएगा। तो टाइपिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो टाइपिंग में अभी से लग जाओ। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जो बिल्कुल जेएसए के पैटर्न पे है। जेएसए का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल के जैसा होगा। इस तरीके से कंटेंट होगा, यहाँ पे कंटेंट आपको टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजल एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस कर लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लान ले लो, तुरंत प्लान लेने की जरूरत नहीं है। एक दिन का पहले डेमो लो, अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हो तो अपना जो बेस्ट प्लान है, और प्लान भी बहुत सस्ते हैं, मतलब इतनी कम फीस रखी कि हर एक बच्चा उसे अफोर्ड कर सकता है। तो डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।